वेलकम बैक UMB न्यूज। चलिए जानते हैं 14 अक्टूबर को कैसा रहेगा देश भर के मौसम का हाल। वीडियो को शुरू करने से पहले आप कमेंट सेक्शन में बताइए किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपको बता दें, दिल्ली समेत इन इलाकों में एक राउंड और होगी बारिश। तापमान में गिरावट से हल्की ठंड की दस्तक। आमतौर पर अक्टूबर में मानसून की विदाई के बाद ठंड दस्तक दे देती है, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनमें उलटफेर देखने को मिल रहा है। आधा अक्टूबर बीतने वाला है, लेकिन गर्मी और उमस से लोग बेहाल है। हालांकि अब दिल्ली और उससे सटे इलाकों के लिए मौसम विभाग ने एक और राहत भरी खबर दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द गर्मी से निजात मिलेगी और हल्की ठंड दस्तक देगी। 18 तारीख तक होगी बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 16 अक्टूबर से हवा की दिशा उत्तर पश्चिम की ओर हो जाएगी, जिस वजह से 16 तारीख को आसमान में बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा 17-18 अक्टूबर को फिर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। इसकी वजह से बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव गहरा क्षेत्र बनने को माना जा रहा है। 17 अक्टूबर को येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने आगे कहा कि दो दिन तक जो हल्की बारिश का सिलसिला शुरू होगा, उससे गर्मी से निजात मिलेगी, साथ ही हल्की हल्की ठंड भी दस्तक देगी। हालांकि पूर्ण रूप से सर्दियां आने में अभी काफी वक्त है। IMD अलर्ट के मुताबिक 12 से 16 अक्टूबर तक दिल्ली में ग्रीन अलर्ट रहेगा। इसके बाद 17 अक्टूबर को येलो अलर्ट जारी किया गया है। और दक्षिण भारत में भी बारिश। देश के कई राज्यों से मानसून की विदाई हो गई है। ऐसे में अब मानसून जाते जाते दक्षिण भारत के लोगों को भिगो रहा है। केरल, कर्नाटक और तेलंगाना के कई हिस्सों में 13 और 14 अक्टूबर को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही केरल के 6 जिलों में 14 अक्टूबर तक के लिए ऑरेंज अलर्ट है, ताकि लोग घरों से ना निकले। वहीं महाराष्ट्र के कुछ जिलों में भी अगले दो दिन तक बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सक्रिय, किरकिरा हो सकता है दुर्गा पूजा का मजा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर की वजह से आने वाले बादल धनबाद और आसपास बारिश कराएंगे। बादल घनीभूत हुए तो तेज बारिश हो सकती है, इससे दुर्गा पूजा का मजा किरकिरा होगा। चारों तरफ दुर्गा उत्सव का माहौल है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान में पहले यह संभावना जताई गई थी कि नवमी तक लोग दुर्गा पूजा घूम सकेंगे और दशमी से मौसम का मिजाज बदलेगा। बारिश होने की संभावना थी, पर अब 14 अक्टूबर से ही मौसम बदलने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम केंद्र रांची के अनुसार 14 अक्टूबर से ही राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश शुरू होगी। अंडमान के समुद्र में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, इसके प्रभाव से लो प्रेशर सक्रिय हो गया है। पहले लो प्रेशर के 15 अक्टूबर तक ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में प्रवेश की संभावना जताई गई थी, पर अब एक दिन पहले 14 अक्टूबर को ही लो प्रेशर पहुंच जाएगा। बारिश होने पर दुर्गा पूजा के रंग में भंग पड़ना स्वाभाविक है, और तेज बारिश की संभावना कहाँ है। मौसम विभाग ने धनबाद समेत राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई है। 14 अक्टूबर से अगले कई दिनों तक थमथम कर बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। लो प्रेशर की ओर जाने वाले बादल धनबाद और आसपास बारिश कराएंगे। बादल घनीभूत हुए तो तेज बारिश भी हो सकती है। इससे पहले सितंबर में पूरे राज्य में भारी बारिश हुई थी। धनबाद में लगातार 40 घंटे की बारिश ने 26 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। भारी बारिश से पूरे जिले में जल प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अब एक बार फिर से लो प्रेशर के सक्रिय होने से धनबाद में बारिश का खतरा। इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो देखते रहिए UMB न्यूज़।